यूपी के कौशाम्बी में कृषि कानून बिल के विरोध का असर नहीं दिखा। मुख्यालय सहित जिले के सभी प्रमुख बाजार खुली रहीं। डीएम, एसपी और सर्किल के सीओ तैनात रहे। मंझनपुर मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया ताकि कहीं से कोई प्रदर्शनकारी मुख्यालय में आकर बाजारों को बंद न करा सके। सपा के पदाधिकारियों को रात में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अन्य सपाइयों को भारत बंद के एक दिन पहले ही जेल भेज दिया गया, जहाँ रात खाना न मिलने पर सपाइयों ने जेल में नारेबाजी की। जेल होने के कारण यही वजह रही कि 8 तारीख को सपाई रोड पर नहीं दिखे। एक रात जेल में रखने के बाद सपाइयों को शाम को जेल से रिहा किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मंझनपुर मुख्यालय जिला पंचायत परिसर में एकत्रित हुए, जहां पर सरकार विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सदर एसडीएम राजेश चंद्रा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद वो अपने अपने घर वापस चले गए। डीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रही है। सुबह से चौराहों और बाजारों में फोर्स तैनात कर दी गई है, जिससे कोई गड़बड़ी ना कर सके। कल के प्रदर्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब इस मुहिम में निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और प्रदेश के सभी जनपदों में किसान बिल के विरोध में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जब मुख्यालयों पर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद दोहरा मापदंड अपनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने कहीं पर आपके जो पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के, उनको जेल में बंद कर दिया, कहीं छोड़ दिया, कहीं रख लिया, कहीं उनको भूखों प्यासे मारने का नौ बता गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये तानाशाहपूर्ण रवैया है, इसको देखते हुए हम लोग खुद चल करके यहाँ आए कि भाई हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो सिपाही जो बंद है वो किस स्थिति में है, और उसको देखते हुए अभी हम लोगों ने जो कानूनी कार्रवाई, उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, उसको करा रहे हैं जमानत के लिए, और इसके बाद हम टेवा में जहां हमारे लोगों को बंद किया गया है वहां उनसे मिलने जाएंगे। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा उसी के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।